अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे हैदराबादी फेमस रेसिपी रेड चिकन। इसके लिए हमें चाहिए खोपरा 2 टेबलस्पून, हमने इसे भून लिया है, 10 काजू और 10 बादाम हैं। अब हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अब ये हमारा चिकन 1/2 kg है। अब ये चिकन में अब हम डालेंगे पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, रेड मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चिकन मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक, आप टेस्ट के हिसाब से डालें, मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली सॉस, 1 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1/2 टीस्पून ग्रीन चिल्ली सॉस, 1/2 टीस्पून सोया सॉस, 100 ग्राम्स दही, 1 नींबू। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, रेड फूड कलर ये ऑप्शनल है, जिसमें हमने ये 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है हमने, और 1 टेबलस्पून मेल्टेड घी लिया है, और ये प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया था। अब इसको हम क्रश करके इसमें डाल देंगे, इससे और अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कोथमीर, ये 2 हरी मिर्ची, थोड़े करी पत्ते, थोड़ी कसूरी मेथी और थोड़ा पुदीना। ये सब डालकर हमने अच्छे से हाथ वॉश कर लिया है। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे मैरिनेट कर हम 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए रख देंगे इसे। 1 घंटा हो गया है, हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसे कढ़ाई में डालकर 5 to 10 मिनट्स के लिए पकाएंगे हाई फ्लेम पर। अब हम इसका लिड लगा देंगे। हमारे 5 मिनट्स हो गए हैं, अब हम इसका लिड निकालेंगे। देखिए कितने अच्छे से पक रहा है। अब इसमें हम स्पून चलाएंगे। अब हमारा चिकन अच्छे से रेडी हो गया है। देखिए अच्छे से रेडी हो गया है हमारा चिकन। अब हमने हमारे रेड चिकन को डिश आउट कर लिया है। इसे आप सर्व कीजिए नान की रोटी, रुमाली रोटी या चावल के साथ में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।